वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्राइम नंबर का कंसेप्ट। आज हम उसका प्रोग्राम भी सीखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि यूजर ने अगर कोई नंबर दिया है तो वो प्राइम है या नहीं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या है। तो अगर प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो सेल्फ से डिविजिबल हों या फिर वन से, या ये कह लीजिए सेल्फ और वन से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 है, 13 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से तब भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, 13 बन जाए 13, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो केवल और केवल या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो 13 से डिवाइड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, लाइक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उनकी लिस्ट है। तो अगर यूजर इनमें से कोई एक नंबर देता है जो प्राइम है तो हम उसे चेक करके बता देंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसके लिए एक जावा प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रोग्राम में बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। तो क्लास बनाया, क्लास का नाम सपोज करिए हमने रख दिया प्राइम। ठीक है, अंदर आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ARGS कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने कहा था कि 13 को दो चीज़ों से डिवाइड होगा, या तो 1 से या तो 13 से। तो ये दो बार हुआ है, ये चेक करने के लिए हमें एक वेरिएबल की नीड होगी कि एक बार ये हुआ और एक बार यहाँ पर रिमाइंडर आया। तो इसके लिए हम काउंट वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, काउंट वेरिएबल, और इसको प्लस प्लस करेंगे, और अगर ये दो बार होता है और इसकी वैल्यू 2 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर प्राइम है। ठीक है, एक हम वेरिएबल ले लेंगे किसके लिए, जो यूजर नंबर दे रहा है उसके लिए, और एक हम ले लेंगे किसके लिए, लूप के लिए। लूप के लिए क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करना है और 13 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये यूजर ने जो वैल्यू दी है 1 से वहां तक पहुंचना पड़ेगा और कंटिन्यू डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम तीन वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, एक आई लूप के लिए ले लिया, हालांकि आप इसे लूप के इनसाइड भी डिक्लेयर कर सकते थे, एक ले लिया नंबर जिसमें हम यूजर से डिमांड करेंगे, और एक ले लिया काउंट। ठीक है, काउंट को आप 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, 0 स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमने कर लिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया, नम में इनपुट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है जो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, जैसा मैंने कहा था 1 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, जो यूजर ने नंबर दिया है वहां तक जाएगा। तो i इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू नम तक गया, और बार बार i प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, अंदर आएंगे। अब अंदर हमें क्या करना है, हमें हर वैल्यू को 1 से लेकर 13 तक, इस वैल्यू को जो यूजर ने दिया है उससे डिवाइड करना है, यानी जो नम है उसको आई से डिवाइड करना है, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट होगा और नम तक जाएगा, तो उससे डिवाइड करना है और चेक करना है कि कितनी बार 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लगा देंगे इफ लगा दिया, अगर आता है 0 तो क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है। ठीक है, तो काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ओके, और इसे कर देंगे क्लोज, लूप को भी कर देंगे क्लोज, इतना काम कर लिया। अब अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए इफ लगा देते हैं, इफ लगाया काउंट इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा है तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्राइम नंबर, क्या लिख देंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और इसको हम कर देंगे क्या, क्लोज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिएगा, समझिएगा कैसे होगा। सपोज करिए यूजर ने हमें दे दिया क्या वैल्यू, 12, क्या दे दिया, 12। अब जब यूजर ने 12 दिया तो इसे ट्रेस करके देखते हैं कैसा होगा। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन आर इक्वल टू नम है, और i प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, i इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, नम की वैल्यू 12 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आते हैं तो नम को i से डिवाइड करो, यानी 12 को 1 से डिवाइड करो, 1 से तो सभी में डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 0 से 1। ठीक है, अब आगे आते हैं तो i की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू नम, करेक्ट है। अंदर आएंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 से भी डिवाइड हो जाता है पूरा, तो फिर से रिमाइंडर आएगा, काउंट की वैल्यू हो गई बढ़ के कितनी, 2। ठीक है, अब आगे आते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर 12 वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है,
तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, और जैसे 3 हुई तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि प्राइम तभी होता है जब काउंट की वैल्यू क्या है 2 आएगा, यानी दो ही बार ये डिवाइड होता है तभी वो प्राइम होता है, अदरवाइज प्राइम नहीं होता। तो 12 क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 13 की। 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा नो डाउट, फिर इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी 2 होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 2 डिवाइड करते हैं तो नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4, 12 और 1 रिमेनिंग हो जाएगा, फिर से काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और इस तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कभी भी 13 से ये वैल्यू रिमाइंडर पूरा पूरा नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा रिमाइंडर, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट में 13 के लिए एक बार और चला जाएगा तो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़कर के क्या हो जाएगी 2, और यहां पर जैसे ही चेक होगा कि काउंट की वैल्यू 2 हुई तो आ जाएगा क्या रिजल्ट, प्राइम नंबर। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम इस तरह का कंसेप्ट अपने प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो हमें यह चेक हो जाएगा कि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैंने जो प्रोग्राम बताया है इनके मैं विद आउटपुट स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। वीडियो में प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।